हर नगरी में मौसम के बदलने का मिजाज दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को भी दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली और आसमान में एकाएक काले बादल छा गए। उमड़ घुमड़ कर आए बादलों से जहां कई स्थानों पर तेज बारिश हुई तो कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से लोगों को संतोष करना पड़ा। जिला मुख्यालय के अलावा ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश के समाचार हैं। थार में मंगलवार को भी बादलों की आवाजाही का दौर रहा। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में लगातार दूसरे दिन भी बारिश हुई। हालांकि सुबह से ही उमस और गर्मी का माहौल रहा, लोग पसीने से तरबतर दिखाई दिए। दोपहर बाद करीब 3 बजे पूरी दिशा से तेज गर्जना के साथ बादलों का आवागमन शुरू हो गया। काली घटाओं के घिर जाने से तेज हवाएं चलने लगी। दोपहर 3:15 बजे एकाएक थार नगरी पर राहत की बूंदें गिरने लगी। हालांकि शहर के कुछ इलाकों में बारिश हुई, वहीं कुछ इलाकों को महज बूंदाबांदी से ही संतोष करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से एकाएक मौसम में परिवर्तन के साथ ही बारिश से थार नगरी के बासिंदों को गर्मी और उमस से राहत मिली। वहीं दूसरी ओर बारिश के बाद शीतल हवाओं से मौसम खुशनुमा बन गया और तापमान में भी कमी आई। जिला मुख्यालय के साथ ही ग्रामीण अंचल में बारिश से किसानों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। जहां बारिश के इंतजार में फसलें सूख रही थी, वहां इस बारिश ने फसलों को जीवन दान दे दिया। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले खिले नजर आए।